चलिए दोस्तों, आज जो आपको वीडियो दिया जा रहा है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। दास प्रथा, पहले दास प्रथा को समझ लेते हैं, फिर दास प्रथा का अंत समझते हैं। तो जो दास है, दास का मतलब ये हुआ कि मनुष्य के द्वारा मनुष्यों का बृहद स्तर पर उत्पीड़न, मनुष्य द्वारा मनुष्यों का बृहद स्तर पर उत्पीड़न करना ही दास कहलाता है। और ये प्रथा क्रम से आगे बढ़ती गई तो उस पूरे को नाम दिया गया है, दास प्रथा नाम दिया गया है। चूंकि भारत में जो दास प्रथा थी, वो भारत में दास प्रथा एक प्रकार से, एक तो बंधुआ मजदूरी से संबंधित था, बंधुआ मजदूरी से संबंधित था, और जो घरेलू कार्यों के लिए दास दासियों को रखा जाता था, किसके लिए? घरेलू कार्यों के लिए दास दासियों को रखा जाता था। ये भारत में जो दास प्रथा थी वो प्रचलित थी, यानी कि बंधुआ मजदूरी के रूप में थी और घरेलू कार्यों के लिए दास दासियों को रखा जाता था, ये प्रथा भारत में थी। इसके अलावा चूंकि जो विश्व स्तर पर यदि हम दास प्रथा को देखें, तो जो 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 दास प्रथा है वो रोमन साम्राज्य में भी फैली हुई थी, और रोमन साम्राज्य के बाद यूनानी साम्राज्य में भी फैली हुई थी, और जो अमेरिकी जो निग्रॉयड थे इनमें भी ये दास प्रथा फैली हुई थी। तो विश्व स्तर की जो दा यानी कि विश्व स्तर पर जो दास प्रथा थी, वैसी दास प्रथा हमारे भारत में नहीं थी, उससे हट करके अलग प्रथा थी। तो भारत में क्या थे? बंधुआ मजदूरी और घरेलू कार्यों के लिए दास दासियों को रखा जाता था। जबकि इसके विपरीत जैसे रोम में थी, तो रोम में या जो इन जो विश्व स्तर पर थी, विश्व स्तर पर जो बंधुआ मजदूर थे, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ थी, यानी कि आर्थिक स्थिति से यह मजबूत थे। आर्थिक जो स्थिति थी वो दृढ़ थी, यानी कि सुदृढ़ थी। भारतीय की स्थिति यानी कि सुदृढ़ थी इन लोगों की, जो विश्व स्तर पर है। रोमन साम्राज्य में, यूनानी साम्राज्य में, अमेरिकन निग्रॉयड में भी यह दास प्रथा फैली हुई थी। तो ये जो दास थे, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत थी, सुदृढ़ थी। और साथ साथ में ये भी था कि इनका साम्राज्य के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जबकि ऐसी स्थिति हमारे भारत में नहीं थी। यानी कि रोमन साम्राज्य में तो जो एक दास था, यानी कि फेलिक्स करके कोई एक दास था, फेलिक्स करके दास था, और ये रोमन साम्राज्य का गवर्नर भी बनाया गया था, यानी कि गवर्नर भी बना हुआ था। तो जो विश्व स्तर पर दास प्रथा है और जो हमारे भारत में प्रचलित दास प्रथा थी, दोनों में अंतर था। यानी कि विश्व स्तर पर दास प्रथा में जो दास थे बहुत ही समृद्ध थे, सुदृढ़ थे, साम्राज्य में उनकी भूमिका थी, यहाँ तक कि उच्च पदों पर भी ये आसीन थे। तो जो दास प्रथा है, तो इस दास प्रथा को देख लेते हैं। भारत में इसको मुख्य रूप से देखना है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में हम दास प्रथा का यानी कि देखेंगे। तो जो प्राचीन भारत में देखिएगा, जो प्राचीन भारत में जो दास प्रथा थी, तो जो मौर्य साम्राज्य में, यानी कि जो मौर्य वो साम्राज्य था, तो उसमें यानी कि जो कौटिल्य थे, यानी कि जो कौटिल्य थे, कौटिल्य को जो दो नामों से और जाना जाता है, यानी कि चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो जो कौटिल्य थे, उनको कौटिल्य को दो नामों से और जाना जाता है, चाणक्य के नाम से और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो कौटिल्य ने एक ग्रंथ लिखा है अर्थशास्त्र। तो चूंकि ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं था, ये राजनीतिक ग्रंथ था, राजनीति से संबंधित था, शासन प्रशासन से संबंधित ये ग्रंथ था। तो जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। और जो 9 प्रकार के दास हैं वो देख लीजिएगा, जो 9 प्रकार के दास हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला जो दास है, इनका जो वर्णन होगा वो शॉर्ट रूप में आपको बता रहे हैं। जो ध्वजा हिरत दास है, ध्वजा हिरत का मतलब है ध्वज तभी फहराया जाता है जब कोई राजा युद्ध में जीत जाता है। तो युद्ध के जीतने
पर जो जो दास बनाए जाते थे, यानी कि ये युद्ध के जीतने पर जो प्राप्त दास हैं वो ध्वजा हिरत दास होते थे। दूसरे प्रकार के जो दास हैं उदर, उदर मीन्स होता है पेट, पेट मतलब खाने पीने से संबंधित, यानी कि खाने पीने को जिन दासों को दे दिया जाता था, जिन व्यक्तियों को दे दिया जाता था, वो केवल खाने पीने के ही यानी कि आश्रित थे। तो उदर मतलब पेट है, तो उदर का मतलब पेट हुआ, तो ये खान पान से संबंधित हो जाएगा, तो इस प्रकार के दासों का वर्णन किया है। तीसरे प्रकार के जो दास हैं वो ग्रह जात, ग्रह मतलब होता है घर, घर के अंदर जिन दासों का जन्म होगा, तो जो दास थे, दासियां थीं, वो घरों में रहते थे और दास के रूप में ही बच्चों का जन्म होता था। तो ऐसे जो दास दासियों से उत्पन्न जो दास यानी कि जो संतान होगी उनको ग्रह जात के नाम से जाना जाता था, यानी कि ये घरों में उत्पन्न हुए थे। जो चौथे प्रकार के दास हैं उनको दायागत नाम के, यानी कि दायागत जो कौटिल्य ने जो नाम दिया है वो दायागत, और दायागत का मतलब होता है ऐसे दास जो पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त किए गए हों, तो दायागत दास का वर्णन किया गया। उसके बाद आइएगा लब्ध, और लब्ध का मतलब होता है दान में जो दास आते थे उनको, दान में प्राप्त जो दास थे उनको लब्ध नाम दिया जाता था। और क्रीत, क्रीत का मतलब होता है क्रय, क्रय का मतलब होता है खरीदे हुए दास, तो क्रय करके यानी कि खरीदे हुए दास जो होते थे उनको क्रीत नाम दिया गया था, कौटिल्य ने क्रीत नाम दिया था। तो ये जो खरीदे हैं यानी कि क्रय किए गए दास हैं। उसके बाद जो सातवां जो दास का प्रकार है वो आत्मविक्रयी, यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे जो स्वयं को बेच देते थे, यानी कि आत्म स्वयं बेच करके दास बने हैं। तो स्वयं को बेच करके जो दास बने थे यानी कि स्वयं वाले हैं ये। और जो आठवें प्रकार के हैं वो दंड प्राणित, और दंड प्राणित का मतलब हुआ है कि जिन व्यक्तियों को दंड दिया जाता था, दंड के बदले में वो दास बना लिए जाते थे। तो दंड प्रणीत से स्पष्ट है कि दंड प्रणीत है। और जो कौटिल्य ने या चाणक्य जी ने जो नौवें प्रकार का दास बताया है वो आहृतक दास है, और आहृतक दास का मतलब ये है कि ऋण के बदले में जो धरोहर के रूप में रखे जाते थे उस प्रकार का दास है, आहृतक नाम का दास, यानी कि आहृतक, यानी कि ये ऋण के बदले ये धरोहर के रूप में है, ये धरोहर के रूप में है। तो कौटिल्य ने जो नौ प्रकार के जो दासों का वर्णन किया है उसमें एक ही दास जो नौवें प्रकार का दास है वह दास केवल और केवल स्वतंत्र था, क्योंकि बदले में था, धरोहर के रूप में रखा था, तो इसको रखा तो जा नहीं सकता, तो ये यानी कि स्वतंत्र रूप में था, यानी कि ये स्वतंत्र रूप में था, यह है यानी कि दास के रूप में नहीं था, दास था, ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया था, लेकिन वो उन यानी कि राजा महाराजाओं के घर में दास के रूप में नहीं रहता था, ये स्वतंत्र रूप से घूमता रहता था, अपना जो भी कार्य करना हो करता था। तो ये जो नौ प्रकार के दास जो कौटिल्य जी ने बताए हैं उनका ये वर्णन है। इन दासों में से जो आहृतक नाम का जो दास है वो स्वतंत्र दास था। और उसके बाद ये वर्णन आपको दे ही दिया गया, प्राचीन काल में ये व्यवस्था थी, कौटिल्य ने इनका वर्णन किया है। अब आइएगा जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत में प्रारंभ में सल्तनत कालीन चला, उसके बाद मुगल कालीन चला। तो सल्तनत काल में जो सल्तनत काल है, सल्तनत काल में जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश में जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक को यानी कि दासों को रखने का बहुत ही शौक था, और दासों को रखने का ऐसे बहुत ही शौक था, और लगभग 2 लाख दास थे इसके पास, इसे बहुत शौक था दास रखने का, लगभग 2 लाख दास इसके पास थे। और इन दासों को रखने के लिए इसने एक विशेष विभाग का निर्माण ही किया गया, यानी कि किया था, उस विभाग का नाम था दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, एक अलग से एक विभाग का निर्माण कराया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवान ए बंदगान नाम का, यानी कि दासों का एक विभाग ही सृजित किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मुगल काल में, तो मुगल काल में जो सम्राट अकबर हैं,
सम्राट अकबर ने 1562 में रोक, यानी कि दास प्रथा पर रोक लगा दी गई थी मुगल काल में अकबर के द्वारा 1562 में। ये डेट याद रखना, 1562 में दास प्रथा पर रोक लगाई थी। और तो ये स्थिति कहाँ की है, ये मध्यकालीन की स्थिति है। अब आइएगा आधुनिक भारत में, यानी कि ब्रिटिश काल में आइएगा। तो ब्रिटिश काल में जो प्रारंभ जो हुआ था, इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ ग्लौस्टर थे, तो ड्यूक ऑफ ग्लौस्टर एक व्यक्ति थे, इन्होंने अपने जो वहाँ के प्रमुख थे उनसे यह मांग की थी सबसे पहली बार कि भारत में दास प्रथा बंद करने का अनुरोध किया था सबसे पहली बार। उसके बाद जो भारत में लॉर्ड कार्नवालिस थे, लॉर्ड कार्नवालिस ने 1789 में दास व्यापार को बंद कर दिया था। दास व्यापार को, दास प्रथा को बंद नहीं किया था, दास व्यापार यानी कि दासों के खरीद फरोख्त पर, क्रय विक्रय पर रोक लगा दी थी। तो 1789 में कार्नवालिस ने व्यापार को बंद कर दिया था। उसके आगे फिर और आगे बढ़ते हैं तो लॉर्ड जो एलन बरो हैं, और यही नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहीं से प्रश्न ज़्यादा बनता है। लॉर्ड जो एलन बरो हैं, इनके द्वारा 1843 में, यानी कि 43 में, दासता को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। प्रश्न यहीं से बनता है कि भारत में दास प्रथा का अंत निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो दास प्रथा का अंत 1843 में लॉर्ड एलन वरो के द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया गया था, यानी कि दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। चूंकि ये भी है कि 1843 में दास प्रथा का अंत गैर कानूनी घोषित कर दिया था, लेकिन ये जो व्यवस्था थी, ये जो गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था थी, जो 1833 का जो अधिनियम लाया गया था, एक्ट लाया गया था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित हुआ था 1833 का अधिनियम, उसमें व्यवस्था थी दासों का, यानी कि दासों को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था इनकी उसमें थी। तो उसी इसी अधिनियम के तहत लॉर्ड एलन बरो ने 1843 में दास प्रथा का अंत कर दिया था। तो ये चूंकि भारत में या विश्व स्तर पर जो दास व्यवस्था है या दास प्रथा है, इसके बारे में ये आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी गई है। अगले वीडियो का इंतजार। नमस्कार, धन्यवाद।